हेलो दोस्तों, कैडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अनोटेटिव स्केल की बात करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट जो ऑटोकैड सीख लेते हैं, उन्हें सीखने के बाद भी ये समझ में नहीं आता कि अनोटेटिव स्केलिंग होती क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं। अगर वो जान भी जाएंगे तो उसका यूज बिल्कुल नहीं जान पाते हैं। इस वीडियो में हम अनोटेटिव स्केल की बात करेंगे और इसके यूज की भी बात करेंगे कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, अनोटेटिव स्केल हैच में, टेक्स्ट में और डायमेंशन में, तीन जगह अनोटेटिव स्केल आपका यूज में लिया जाता है। अब देखिए, अगर आपके पास कोई हैच है, कोई टेक्स्ट है, कोई डायमेंशन है, आपने नॉर्मल तरीके से उसको बना दिया है, ठीक है, डिफॉल्ट तरीके से बना दिया, तो उसको अनोटेटिव स्केल में चेंज करने के लिए, तो एक्टिवेट अनोटेटिव स्केल, ठीक है, हमारे पास दो तरीके हैं उसको अनोटेटिव में चेंज करने के लिए। पहला तरीका है कि उसकी प्रॉपर्टी में जाके उसकी प्रॉपर्टी बदल दें और उसको अनोटेटिव कर दें। दूसरा तरीका है कि हम जो स्टाइल है हमारी, हैच स्टाइल या टेक्स्ट स्टाइल या डायमेंशन स्टाइल, उसको अनोटेटिव स्टाइल में बाय डिफॉल्ट सेट कर दें, जिससे कि हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे या जो भी डायमेंशन बनाएंगे वो बाय डिफॉल्ट अनोटेटिव ही बने। तो दो तरीके हो गए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अनोटेटिव में चेंज करने के लिए। अब देखिए, ये जो अनोटेटिव स्केल है, इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा पेपर स्पेस में। अभी ये जो हमारी ब्लैक वाली स्क्रीन दिखती है ना, इसे कहते हैं मॉडल स्पेस, और ये हमारी मॉडल स्पेस, बाय डिफॉल्ट आपको मॉडल स्पेस ही नजर आएगी ओपन, ठीक है। जैसे ही आप काम करते हैं मॉडल स्पेस में, हमेशा काम करते हैं, तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि layout 1, layout 2 और ये प्लस का सिंबल, ये होता क्या है। तो ये जो लेआउट होती है, इन लेआउट के अंदर ही हमारा पेपर स्केल होता है, ठीक है। जैसे दिखाते हैं हम आपको, layout 1 के अंदर ये हमारा पेपर स्पेस है और ये व्हाइट है, क्योंकि हमारा पेपर व्हाइट होता है इसलिए इसको व्हाइट बनाया गया है। और ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना चारों तरफ, इसे कहते हैं पेपर, और पेपर के अंदर ये जो बाउंड्री दिख रही है, इसके अंदर होता है। अगर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा फिर से, इस पेपर के अंदर मॉडल स्पेस एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे हम अपनी ड्राइंग को बना पाएंगे। और जैसे ही इस बाउंड्री के बाहर हम डबल क्लिक करेंगे, हमारा फिर से पेपर स्पेस एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि जब हम जूम इन जूम आउट करेंगे तो हम अपने पेपर को छोटा बड़ा कर पाएंगे। और अगर हम मॉडल स्पेस में रहेंगे तो हम अपने, ये देखिए, मॉडल को छोटा बड़ा कर पाएंगे। तो हम बाहर क्लिक करके आते हैं मॉडल स्पेस में, और यहाँ हम तीनों प्रकार की स्केलिंग, हैच, टेक्स्ट, डायमेंशन समझाने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने दो रेक्टेंगल बना लिए हैं, इनमें हम सबसे पहले हैच अप्लाई करते हैं। तो पहला वाला हमारा नॉर्मल है, दूसरा वाला अनोटेटिव रखेंगे। तो हैच में चलते हैं और इसमें क्लिक करके हैच पैटर्न अप्लाई करते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये हमारा हैच पैटर्न नॉर्मल है। देखिए, जैसे ही हम इसमें हैच पैटर्न में आते हैं, हमें कोई अनोटेटिव स्केल का सिंबल नहीं मिलता। फिर से हम हैच में आते हैं। अब हम यहाँ से अनोटेटिव ऑप्शन को, जो हमने बताया था ना बाय डिफॉल्ट अनोटेटिव ऑप्शन को ऑन करना, तो इसको एक्टिवेट करके हम हैच करते हैं। और देखिए, इन दोनों भी ऑब्जेक्ट में स्केल 1 है, तो 1 स्केल रहने दीजिए। ये हमारा, देखिए, जैसे ही अनोटेटिव ऑब्जेक्ट में आते हैं, हमारा अनोटेटिव दिखाता है ना। अगर इस ऑब्जेक्ट को भी अनोटेटिव करना है तो इसमें सेलेक्ट करिए, यहाँ प्रॉपर्टी Ctrl 1 से प्रॉपर्टी टैब खोलिए और इसमें चेक करिए, ये देखिए अनोटेटिव है। अगर आप यहाँ पे यस कर देंगे तो ये अनोटेटिव हो जाएगा, नो रहने देंगे तो अनोटेटिव नहीं रहेगा, तो हम इसे नो रहने देते हैं। अब हम लिखते हैं इनमें टेक्स्ट, हम सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखते हैं, एफर्ट से और 0.2 स्केल का लिखते हैं कि ये नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल स्केल। और कमांड से बाहर चलते हैं, तो देखिए, अब ये छोटा लिखा हुआ है ना ऑब्जेक्ट हमारा, बहुत छोटा बन रहा है, तो इसको सिलेक्ट करके इसकी स्केल को बड़ा कर लीजिए। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हाइट आएगी, इसको हम 1 कर लेते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा सही समझ में आए, ठीक है, अब सही है। फिर से हम एक और टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, हमने दो तरीके बताए थे आपको, एक तरीका बताया था कि इसकी प्रॉपर्टी में जाके हम इसकी अनोटेटिव यस करते हैं, या दूसरा तरीका है बाय डिफॉल्ट हम इसकी
टेक्स्ट स्टाइल को ही अनोटेटिव कर दें। टेक्स्ट स्टाइल अनोटेटिव करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल में आते हैं और हम अनोटेटिव सेट करके सेट करेंट और क्लोज कर दिया। अब हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो अनोटेटिव होगा। ये देखिए यहाँ पे अनोटेटिव शो कर रहा है, तो बोल रहा है 1:1 की स्केल है हमारी अनोटेटिव स्केल। हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट लिखते हैं, फिर से हम इसकी हाइट रखते हैं। देखिए अभी ऑर्थो ऑन नहीं हुआ, ऑर्थो ऑन कर लीजिए, फिर से टेक्स्ट लिखिए ताकि एकदम सही तरीके से टेक्स्ट आपका नजर आए। हाइट 1 रखते हैं, एंगल 0 और लिखते हैं अनोटेटिव। ये हमारा दो टेक्स्ट हो गए, हमारे पास एक नॉर्मल टेक्स्ट है, एक अनोटेटिव स्केल का टेक्स्ट है। अब हम इनमें डायमेंशन अप्लाई कर लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट में डायमेंशन अप्लाई कर लिया और दूसरे ऑब्जेक्ट में भी डायमेंशन अप्लाई कर लिया। अब इस डायमेंशन को हम अनोटेटिव कर देते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा सेटअप, हमने हैचिंग टेक्स्ट और डायमेंशन को ये नॉर्मल रखा है और इस साइड तीनों अनोटेटिव हैं, क्योंकि जैसे ही हम इनमें कर्सर लेके जाते हैं अनोटेटिव सिंबल आपको नजर आने लगता है। दोनों टेक्स्ट हमें थोड़े छोटे लग रहे हैं, हम टेक्स्ट की हाइट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 0.3 कर लेते हैं ताकि समझ में आए, या फिर 0.5 कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे टेक्स्ट अब सही समझ में आ रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने पेपर स्पेस पे, तो हम लेआउट 2 में चलते हैं क्योंकि इसमें A3 साइज का पेपर यूज किया गया है। तो ये देखिए हम लेआउट 2 में आ गए और ये हमारा पेपर स्पेस है। पेपर स्पेस में अगर हम जूम आउट जूम इन व्हील से करते हैं तो ये हमारा व्हाइट कलर का पेपर है, यही जूम इन जूम आउट होता है। और इस बाउंड्री के अंदर डबल क्लिक कर देंगे तो हम फिर मॉडल स्पेस में आ जाएंगे और मॉडल स्पेस में आने हम अपने ड्राइंग को छोटा बड़ा कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको टॉप में क्लिक करके नॉर्मल कर लेते हैं और बाहर क्लिक करके पेपर स्पेस में आ जाते हैं। अब देखिए जैसे ही आप इस बाउंड्री को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आता है स्केल करने का, अनोटेटिव स्केल करने का। तो अनोटेटिव स्केल में जाने से पहले आप चेक याद रखें कि आप ये दोनों ऑप्शन को एक्टिवेट कर दें, ठीक है। दोनों ऑप्शन एक्टिवेट हो गए, अब इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ से 1:1 ओके कर दीजिए। तो जैसे हमने 1:1 किया, इसमें डबल क्लिक करके देखते हैं क्या होगा। देखिए जैसे ही हमारे पास अभी 1 है, 1:1 में हमारा जो नॉर्मल स्केल का जो टेक्स्ट है इतना बड़ा नज़र आ रहा है, डायमेंशन इतनी नज़र आ रही है। देखिए इन तीनों चीज़ का जो शेप है वो अपने दिमाग में इमेजिन करिए और एक कॉन्स्टेंट समझिए, और जो हैचिंग है दो लाइनों के बीच का गैप थोड़ा सा अपने दिमाग में याद रखिए कि कितना है दोनों के बीच की गैपिंग। अब देखिए हम यहाँ से इस अनोटेटिव स्केल को आधा करते हैं। देखिए जब हमने आधा कर दिया तो देखें कि जो पहला नॉर्मल वाला अनोटेटिव टेक्स्ट स्टाइल है इसमें जो दो लाइनों के बीच का गैप है वो छोटा हो गया, हमारा डायमेंशन स्टाइल डायमेंशन का टेक्स्ट छोटा हो गया और टेक्स्ट भी छोटा हो गया। लेकिन हमारा जो अनोटेटिव ऑब्जेक्ट है उसमें जो दो लाइन के बीच का गैप है वो सेम है, टेक्स्ट की साइज सेम है और डायमेंशन की साइज सेम है। अगर इसको हम और कर दें छोटा, 1/4 कर दें, इस ऑब्जेक्ट को हमने 1/4 कर दिया, 1/4 करने के बाद भी हर एक ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो मेंटेन्ड है। देखिए अनोटेटिव इतना बड़ा ही 1:1 में था, 1:2 में था, 1:4 में ही है, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट धीरे धीरे छोटा हो गया। अगर हम इसे और छोटा, सपोज दैट अगर यही प्रिंट हमें निकालना था अपने प्रिंटर से, तो अगर इस प्रिंट को निकालेंगे तो फर्क ये पड़ेगा जो ये डायमेंशन स्टाइल आपने लिखी थी ये बहुत छोटी छोटी उसमें आएगी और हैचिंग बहुत पास पास लाइनें हो जाएंगी, तो हैचिंग में डिफरेंस नज़र आने लगेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को आपने एनोटेटिव रखा है तो आपकी जो शेप एंड साइज है वो कांस्टेंट रहेगी। तो एनोटेटिव का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट कर देना, किसी भी शेप एंड साइज को, जूम की चाहे जितना जूम इन जूम आउट हो लेकिन उसका साइज सेम रहेगा। अब वो बात अलग है कि ये जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा पास में है इसलिए इसके एक दूसरे टेक्स्ट को ओवरलैप कर रहा है, कुछ नहीं आप इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको और छोटा कर दें, 1/8 कर दें, तो देखिए ये अपनी शेप को मेंटेन रखता है, अपनी शेप को मेंटेन रखता है, लेकिन ये नॉर्मल वाला अपनी शेप को मेंटेन नहीं रखता। तो अनोटेटिव का मतलब बस इतना है कि अपने शेप को मेंटेन रखना।
आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से अगर नॉर्मल स्केल कर देते हैं तो देखिए, फिर से देखिए अनोटेटिव इतना बड़ा बड़ा लिखा था, वो अभी भी इतना बड़ा बड़ा ही लिखा है, लेकिन अब नॉर्मल में दोनों सब बराबर हो गए हैं। तो ये रहा अनोटेटिव स्केलिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके यूज के बारे में, कि इसका यूज हम किस प्रकार से करते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। और जब तक प्रयोग समझ में नहीं आता, तब तक उस चीज़ को सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रयोग जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।